बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में भी ऊंटों पर नए नए शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। साथ ही ऊंट पालकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऊंटनी के दूध के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन किया जाता है, जिससे कि बड़ी संख्या में ऊंट पालक लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य का पशुपालन विभाग तो उष्ट्र विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार कर रहा है ताकि ऊंट पालकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सके। पशुपालन विभाग राज्य पशु ऊंट के लिए वर्तमान में भी कई योजनाएं चला रहा है और भविष्य में भी चलाएगा। वर्तमान में ऊंट विकास योजना के तहत हम ऊंट पालकों को प्रजनन प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति टोड़िया उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही ऊंटों की एक बीमारी सर्रा के नियंत्रण का कार्यक्रम कर रहे हैं और पशुपालकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में ऊंटों की उपयोगिता, खास तौर से ऊंटनी के दूध की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार इस पे काफी गंभीर है और कुछ नई योजनाएं शीघ्र ही सामने आएंगी जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। ये उस पालकों के लिए खुशी की लहर होगी, तो उनका ऊंटने का दूध बिकेगा तो उनको अच्छे दाम मिलेंगे। ये रोजगार जो लुप्त हो रहा था, ये रोजगार वापस पनप जाएगा। मैं मर जाऊं तो मेरा ऊंट बांधना से नहीं जाए, ये चटे ही रहेगा, ये छोकरा सराएगा, हमारे बच्चे सराएगा, हम हागड़ी रखेंगे, ये ऊंट तो हमारा अंदर जाए। अब ऊंट सही करवट बैठ रहा है क्योंकि उष्ट्र विकास का राजस्थान के हर पशु चिकित्सक ने पीड़ा उठा लिया है। वो दिन दूर नहीं जब रेगिस्तान का ये जहाज सफलताओं की मीलों लंबी दूरी पार करेगा।